मैचिंग भी है, तो आप क्या कहेंगे? आए क्या है, आना ही पड़ेगा, भाई का बर्थडे है, बड़ी खुशी की बात है। और इतना लंबा समय हम सारे लोगों ने ये महामारी के बीच में अपने अपने घरों में कैद होकर के बहुत सारी मुसीबतों से जूझते हुए आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज शायद मैं काफ़ी दिनों बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ, और वो भी भाई के लिए बाहर निकला हूँ मैं, बड़ी खुशी है। और सबसे ख़ास बात यह है कि भाई के बर्थडे के साथ साथ आज भाई की म्यूज़िक कंपनी का लॉन्च भी है, तररम पम, तररम पम, तररम पम। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और मेरी बहुत शुभकामनाएं भाई के लिए हैं और इस म्यूज़िक कंपनी के लिए, जिसको लेकर के बहुत सारे ड्रीम्स इनके अंदर हैं और वो ड्रीम्स अब सच होने जा रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत विशेष हैं। बाकी श्री भाई की लॉन्चिंग और आपका बर्थडे, छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी आपने रखी है, तो आपको कितनी खुशी है, आपके बहुत सारे फैंस आए हैं, क्या क्या शुभकामनाएं दी आपको, क्या गिफ्ट मिले आपको? और म्यूजिक कंपनी वाले में ये जानना चाहूँगा कि वो एक रिलीजन सिनेमा की होगी कि उसमें कोई भी हिंदी, भोजपुरी या साउथ या पंजाबी, किस तरह की म्यूजिक कंपनी आपकी? म्यूजिक कंपनी तो एक्चुअली देखिए, हमने लॉन्च किया है ये तो सारे हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, सारे प्रांतों की म्यूज़िक रहेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि हम म्यूज़िक भोजपुरी फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनिशियली हमारा भोजपुरी पे थोड़ा रुझाव ज़्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे हम लोग पंजाबी, अदर लैंग्वेजेस में भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इस लॉकडाउन में, खैर हम लोग बड़ी पार्टी तो कर नहीं सकते थे, इसलिए घर में छोटी सी गेट टुगेदर करके इसको लॉन्च किया है, और सभी अच्छे मित्र हमारे साथ हैं और आए हैं उन्होंने, और सहयोग किया है, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। और उससे बड़ी गिफ्ट कोई दे नहीं सकता, क्योंकि उनका कोऑपरेशन, उनका आशीर्वाद, उनका जो गुड लक उन्होंने मेरी कंपनी को दिया है, वही इसको आगे बढ़ाएगा। बर्थडे का प्लान आपने कैसे किया, क्योंकि बर्थडे तो मेरा हर साल इसी रेट पर आता है, और चूँकि अभी जस्ट थोड़ा सा लॉकडाउन रिलीव हुआ था, तो हमने मिनिमम 20 से कम लोगों को बुला के, और म्यूज़िक कंपनी बहुत टाइम से सोचा था लॉन्च करने, तो सबने सजेस्ट किया कि इसी दिन शुरू कर दिया जाए, फिर धीरे धीरे कंटेंट हम लोग लोड करेंगे। राजू सर आप अच्छी कॉमेडी करते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाए सर के लिए, कुछ कॉमेडी बनाई है आपने आज के, प्लान किया है बनाने? मतलब अभी तो हम लोगों को सब सियासत में बहुत ज़्यादा, अरे सियासत का मामला तो बिल्कुल अलग है, वो एक हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं वो करता हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल सियासती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बहुत बोला वाला आम नागरिक हूँ मैं, और अच्छा हूँ, सबके साथ में हूँ। हाँ हाँ, वो वही बता रहा हूँ कि वो तो फिल्म्स हैं, सीरियल हैं, वीडियो हैं जो वायरल हो जाते हैं, वो एक रूप, वो फॉर्मेट एक अलग है, बट ओरिजिनली मैं बहुत भोला भाला, सीधा साधा, सच्चा आम नागरिक हूँ, एक अच्छा कलाकार हूँ। सच बात है, जो लोग नहीं है, जैसे मेरे भाई जानते हैं, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं ना, तो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या धारणा बना लेते हैं, उनको ये लगता है कि शायद मोदी जी के अपोजिशन में राहुल गांधी मैं ही हूँ। अरे मैं बोलता हूँ भाई, राहुल गांधी मेरे को मत बोलो यार, मैं शरीफ आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, शरीफ नहीं है। ये भी अच्छा कॉमेडी है। मैंने वही इनसे कहा है कि सियासत को देखते हुए ध्यान में रखकर कैसे आप बर्थडे की विश करेंगे, अगर अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने अंदाज में करेंगे? हाँ, मैं तो सिर्फ इनको यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज आपकी पार्टी लॉन्च हुई है ना, आने वाले 5 सालों में मैं पूर्ण सत्ता में इनको देखना चाहता हूँ, है ना, तररम पम बड़े लेवल पे देखना चाहते हैं, तो इनकी सत्ता जो है आने वाले 5 सालों में देश के हर राज्यों में इनकी सत्ता हो, पूरे देश में हो, और विदेशों तक इनकी सत्ता, इनका मान सम्मान, इनका म्यूजिक बहुत लंबे दूर तक पहुंचा। बस नए आर्टिस्ट को लेकर जो आपने प्लानिंग किया है कि मैं नए को बहुत मुश्किल होता है, नए आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म पे ले जाना, दूसरी बात उनके साथ प्रमोशन करना, उनके उनके बैकग्राउंड को देखकर आपने क्या प्लान किया है? हर कलाकार जो पहले आता है वो नया ही होता है, तो प्लान्स, हाँ तो अभी हमारे ऑलरेडी काफ़ी प्लान्स हैं जो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ मैं काफ़ी नए टैलेंट्स को अलग अलग प्रांतों नए से, नए में क्या होता है, जो अभी बात हो रही थी मेरी कि नए में सर नया क्या होता है, कलाकार नया होता है, बट उसकी क्रिएटिविटी अद्भुत होती है,
मार्केट को, इंडस्ट्री को एक नई क्रिएटिविटी चाहिए होती है, नया म्यूजिक चाहिए होता है, कुछ नया अलग हट के चाहिए होता है। और आज ये है कि ये जो नए लोग आते हैं ना, ये बहुत कुछ सोच समझ करके आते हैं, बहुत तैयारी के साथ आते हैं। और जो जो ऑलरेडी सेलिब्रिटी हो चुके हैं वो टाइपकास्ट हो जाते हैं, उनको लोग इसी दायरे में पसंद करते हैं, तो उस दायरे को तोड़ के नए कलाकार कुछ नया लेके आते हैं। तो उसमें से शायद कुछ केसारी लाल बन जाए, कोई दिनेश लाल बन जाए, कोई और भी बड़े कोई लालों के लाल बन जाए। देखिए मैं भोजपुरी, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो भोजपुरी से लगाव तो रहेगा ही, और मैं हिंदी सिनेमा से आया हुआ हूँ, और सिनेमा का कोई लैंग्वेज मेरे हिसाब से नहीं होता है। अच्छी सिनेमा बनाओ, लैंग्वेज की हमारी बातचीत चल रही हिंदी सिनेमा को लेकर, हिंदी सिनेमा हम हिंदी में बनाएंगे, भोजपुरी बनाएंगे, चीज़ें हैं सिनेमा 100% हमारी ट्यूनिंग, हम इससे पहले जानते भी नहीं थे, और हमारी इस पिक्चर के दौरान इनसे जो ट्यूनिंग वो हमेशा रहे। नहीं नहीं, इनका बड़ा प्यार है, बड़ा स्नेह है, और हम लोग पहली मुलाकात में ही, मतलब मुझे बहुत अद्भुत लगा, और हम लोग देखिए आज तक जुड़े हुए हैं और आगे बहुत अच्छे रिजल्ट। मेरा एक होता है जो कलाकार होता है उसकी इज्जत कैसे, उनको इज्जत हाँ। होना चाहिए, वो देना चाहिए, हर प्रोड्यूसर को देना चाहिए, हर डायरेक्टर को देना चाहिए, सिमिलरली ये होता है, गिव एंड टेक ही होता है। राजीव सर आप एक अच्छे कॉमेडियन हैं, आपने कैसे प्लान किया, वीडियो आपके बड़े क्रिएटिव होते हैं, मतलब जो लोग दर्शक देखते हैं, तो ये आपके बनाए हुए जो वीडियो होते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, तो ये कैसे प्लान? देखिए ये मेरे मेरे एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा है, मेरा अनुभव रहा है, और अभी लोगों को चूँकि माहौल ऐसा हो गया, लोगों को लगता है कि सरकार के बारे में बोल रहा है, इनके बारे में बोल रहा है, उनके बारे में बोल रहा है, लेकिन मैं पिछले 25 सालों से यही कर रहा हूं। मैं आपको याद होगा 20 साल पहले मेरा जो शो आया था मूवर्स एंड शेकर्स, जिसको शेखर सुमन जी होस्ट किया करते थे, तो वो शो यही था। आज जो मैं वीडियो बनाता हूं वो शो यही था, आज पूरा शो डेली नहीं आ पा रहा है। तो उसमें जो देश का प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो जो चेंज हुआ है, बट मैं तो देश दुनिया की चीज़ों को, हालातों को ऑब्जर्व करते हुए ही जनता क्या सोचती है उसके बीच का हास्य व्यंग्य के माध्यम से मैं जनता के मन की बात रखता हूं, जो पहले भी करता था। तो करते करते इतना अनुभव हो गया है, बीच में ज़रूर कई बार लोगों को लगता है, कई बार डाउट होता है, यार ये इस पार्टी से मिला हुआ है कि उस पार्टी से मिला हुआ है, यार ये इसके बारे में बोल रहा है। तो भाई सोचते रहो, अपन किसी पार्टी से नहीं मिले हुए, हम सब सच्चे देश के नागरिक हैं, देश के भक्त हैं, ये जितने भी लोग हैं हम सब अपने एक्सप्रेशन भाई हैं, बंधु हैं, हम पूरे देश का भला चाहते हैं और सब अच्छा चाहते हैं कि हमारा देश खूब राइज करे। मैं हट जाऊँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बर्थडे पे मैं वैसे तो अपने परिवार अभी नहीं है तो उनको मिस कर रहा हूँ, घर पे हैं वो लोग, आज नहीं आ चुके क्योंकि लॉकडाउन है तो ज़्यादा लोग नहीं निकल रहे हैं, बट इस वक्त शायद मैं अपने मामा जी जो नहीं है इस दुनिया में उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।